Yo, what's up, gamers? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome to another episode of Resident Evil 7. तो guys, last वाला episode का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत scene बताऊं, तो last वाला episode के अंदर जब हम लोग मियाँ से मिलने आए थे काफी time बाद, almost 3 years बाद, तो हम जब मियाँ से मिले थे, cause जो हमारा house था ना guys, वो एक jungle type जगह पे था, but जब हम लोग मियाँ से मिलने के लिए आए ना, तो उस house की हालत एकदम बुरी हुई थी. मेन एंट्रेंस उसकी लॉक थी. हम लोग एक पीछे के रास्ते से गए एंड हमें मियाँ पूरे हाउस में मिली नहीं. पूरे हाउस की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई थी. हर तरफ मतलब हर चीज़ फैली हुई, टूटी हुई, सामान टूटा हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई इंसान रहता है. एंड वहाँ की बेसमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने के बाद मियाँ मिली. एंड जब हम लोग ने मियाँ से बात की, तो सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि मियाँ ये बात मानने को एग्री नहीं कर रही थी कि उसने हमें आने को कहा है, जबकि स्टार्टिंग में उसी का हमारे पास मैसेज आया था कि वो हमारा घर पर इंतज़ार करिए. तो जब हम लोग उससे मिलने आए ना, तो उसने बात इनकार कर दिया. बट दैन हम लोगों ने उसके साथ आगे मूव ऑन किया. उसने कहा अच्छा हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम इस हाउस में कैद हैं. वो कह वो बार बार ही कह रही थी उन्होंने मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा है, बट उसको भी ये नहीं पता कौन उसको पकड़ के रखा है. एंड जब हम लोग थोड़ा बहुत और आगे बढ़े ना, तो मियाँ ने अपना जो डेंजरस रूप है वो दिखाया. क्योंकि ना गाइस, मियाँ के ऊपर ना शायद से कोई असर वसर हो चुका है, मतलब कोई आप लोग समझ लो कोई कर्ज हो चुकी है मियाँ. एंड वो एकदम से भाई एकदम हॉरर चुड़ैल समझ लो अभी, एकदम विच टाइप, एकदम उसे गुस्सा चढ़ गया एंड वो हम पे अटैक करना शुरू कर दी. एंड उसने भाई बहुत ज़्यादा हॉरर मोमेंट हो गया था. दैन हम लोग थोड़ा बहुत और आगे गए उससे बचते बचाते, तो वहाँ पे हमें एक बुढ़े अंकल दिखे थे सबसे पहले स्टार्टिंग में. एंड वो पलट के दोबारा आ गए, वो हमें अपने साथ ले गए. एंड फिर उन्होंने अपनी फैमिली से हमें मिलवाया. लेकिन आप लोग ये मत समझना कि बुढ़े अंकल को इंसान थे भाई, वो लोग इंसानों काट काट के खा रहे थे. एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस मोमेंट था. एंड उन्होंने अपने हाउस के अंदर हमें पकड़ के रखा हुआ है एंड अभी भी हम लोग वही है. सो लेट्स सी, या तो हम लोग मियाँ को बचाते हैं इस वाले एपिसोड में, या फिर उनके हाउस से एस्केप करते हैं. ऑलराइट गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने यहीं से गेम को लीव किया था एंड अभी हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं इसे. और यहाँ पे अभी हम लोग ना इस वाले हाउस के अंदर बंद हैं और यही वो जगह इस वाली, इसके अंदर मुझे की मिली थी, पीछे इसको लगाता हूँ और इससे वाली ड्रॉअर खुल जाएगी शायद से. एंड ये फर्स्ट एड मिल चुकी है हमें, तो उसकी कभी कोई खास ज़रूरत है नहीं. और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे एंड अभी क्या हुआ था ना, हम लोग खाना खा रहे थे तो आप लोग को याद होगा कि कॉप्स आ गई थी, तो इनकी पूरी फैमिली कॉप्स को बेवकूफ़ बनाने चली गई. कॉज ये कॉप्स को बताते नहीं है कि ये लोग इंसान है, और क्योंकि ये जगह काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है. एवेलिन, एवेलिन क्या है ये? अजीब अजीब से जो हिंट मिल जाते हैं ना, मतलब जिनका कोई वो नहीं है, क्लू मतलब क्लू ही मिल रही है और इनका कोई वो नहीं बनता सेंस, तो ये एकदम से ना मतलब आउट ऑफ स्टोरी चला जाता है. लेट्स सी क्या है. एंड उनकी फैमिली हमें डिनर पे छोड़ के चली गई थी, दैन हम लोग वहाँ से उठ के भागे, उन्होंने तो बांध बांध के रखा था भाई हमें. और ये एक फ़ोटो है, ये पता नहीं किसकी फ़ोटो है, और यहाँ पे भी फ़ोटो रखी हुई है. हाँ गाइस, ये उसका बेटा है, ये बेकर्स फैमिली का बेटा है और ये बेकर्स फैमिली के लोग हैं. ये तो भाई अभी सही सलामत इंसान दिख रहे हैं, तो उस टाइम में क्या हुआ होता अभी मुझे पता है गाइस, वो इन्हीं का हाउस है, वो लोग यहीं कहीं हैं. एंड भाई साहब बहुत ख़तरनाक फैमिली है यार ये, इस फैमिली का नाम बेकर्स फैमिली है. और लेट्स सी, हम लोग यहीं पे चलते रहते हैं अभी तो. एक मिनट एक मिनट, कॉप्स 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 आ रही, कॉप्स मिल गई, कॉप्स मिल गई, इससे बात करते हैं थोड़ी बहुत. हाँ बैकअप सही है. नहीं भाई हम यहाँ रहते नहीं, हम यहाँ कैद हो गए हैं, हमें प्लीज बाहर निकालो. हाँ हाँ भाई तू मुझे बस बाहर निकाल दे यार, यहाँ पे बहुत मुश्किल से हम लोग फंसे हैं. हाँ ये ऐसा फ्रैंकलिन टाइम नहीं लग रहा है GTA 5 का ये. हाँ सही है. अच्छा सही है यार, हमें ना गैराज में जाने को बोल रहा है, वहाँ पे शायद इन सब बात करेंगे. एक मिनट, इससे कोई और बात भी करनी है. अच्छा हमने इससे अपनी गन मांग ली है, तो कॉज अगर गैराज के रास्ते में उनकी फैमिली ने हमें रोक लिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी. डेप्यूटी सही है. हाँ अरे भाई, इसको थोड़ी बहुत इमोशनल बातें दे दी हम लोगों ने अभी, ये थोड़ा बहुत ओके ओके गन दे रहा है हमें. अरे गन ये क्या है भाई? ये मक्खन लगाने वाली छुरी की देगी दे दी इससे. सही है, ये सही है. हाँ हाँ भाई, हम लोग गैराज में इससे मिलने जा रहे हैं गाइस, अभी हमें ना गैराज में जाना है. और ये वाली नाइफ मिल चुकी है, इसको तोड़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं है बस. और अभी इस वाली गेट को खोलना है हमें. और भाई वो फैमिली से मुझे अभी इस वक्त भी डर लग रहा है. ये क्या जगह है वैसे? गैराज यहीं पे है क्या? इसको बटन पे दबाता हूँ. ओके ये शायद से गैराज है.
एंड गैराज का गेट अभी खुल जाएगा शायद से। ओके ओके गैराज का गेट खुल गया। हाँ यार इसको क्या हो गया, ये अभी हमसे पूछताछ करने लगा। भाई यहाँ से निकलना चाहिए हम इससे पहले कोई और आ जाए। और एक मिनट गेट कैसे बंद हो रहा है? ओ ओ अरे ये गाजी आ गया, गाजी वही है, गाजी बुड्ढे अंकल आ गए। भाई भाई मुझे भागना होगा यहाँ से। वागूस ये क्या है? अच्छा ये शायद से इसकी गन है। लेट्स गो, गन मिल गई। ये क्या है? कार की, और ये भी कार, इसके अंदर बैठता हूँ। लेट्स गो, अभी मैं कार के अंदर बैठता हूँ। भाई वो बुड्ढा बहुत डेंजरस है गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो जाए प्लीज। अब आ जा, अब मैं बताता हूँ उसे। हाँ बहुत ज़्यादा जाने, बहुत ज़्यादा जाने। हाँ अभी बताता हूँ उसे। अब आया ना मज़ा, अब इसको ख़त्म करते हैं गाइस, इसका गेम ख़त्म करते हैं। ये बहुत ओ भाई बहुत गुस्से में लग रहा है मुझे, इस पर मुझे फुल जोर से गाड़ी चलानी है, मर जाएगा ये। इस बुड्ढे को यही मारना है गाइस, ये बहुत डेंजरस है। इसने मियाँ को भी पकड़ लिया था, वो पता नहीं मियाँ को कहाँ ले गया एंड हमें कहाँ ले गया। कॉज ये लोग ना मियाँ के ऊपर कोई असर वसर करे, बट ये है कहाँ? एक मिनट छत पे से आवाज आ रही है। अरे भाई ऊपर कैसे आया? शिट ये आ गया, ये आ गया हमारे पास आ गया। हाँ अरे गाड़ी चला रहा है खुद ही गाइस, देखने में एकदम इंसान लग रहा है, ऐसा कहीं से लग ही नहीं रहा है कि वो भूत है। अरे भाई तू अपने आप को मार, मुझे छोड़ दे प्लीज। नहीं अब हम गए बट हम नहीं मरेंगे यार, प्लीज लेट्स सी प्लीज प्लीज। ओ भाई हमारा सर तो नीचे हो गया, हम तो सेव हैं, बट इसको क्या हुआ? ये कहाँ गया है? ये क्या हुआ है? कहाँ गया? अरे शुक्र है ये मर गया। भाई साहब जान छोड़ी इससे, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे इससे पहले वो आए, पता चला पलट के निकल के आ जाए। यहाँ पे कोई एमो वगैरह थी मैंने उठा लिया है अभी मुझे। अरे आग लग गई यार गाड़ी में, शिट अभी मतलब ऐसा ना हो घर वाला चला दे, ये मियाँ को भी नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग। इसके अंदर क्या है? ये कुछ था इसके अंदर। अरे ये खड़ा हो गया भाई, इसको बहुत जान है इसके अंदर, भाई बहुत जान है, इसको मारता रहता। मर जा मर जा मर जा प्लीज़ मर जा। और भाई क्या चल रहा? ओ गाड़ी बढ़ गई भाई पूरी, ये बंदा पूरा झुक गया भाई, इसने कहा हार मान ली, इसकी खुद ही मजा हो गया इसके साथ। ओ भाई डरा दिया था इसने एकदम से। गन को रिलोड करते हैं एंड इसका नाम पता नहीं क्या था गाइस जो भी है, बट यहाँ से एक हमें फर्स्ट एड मिला है शायद से, और ये नहीं फर्स्ट एड नहीं है, कोई बॉटल वाटल है इसके अंदर शायद, कुछ पानी पीने का है। अरे भाई दोबारा कितनी जान है इसमें। हाँ एक मिनट इसके मुंह पे गोल, ओ सही है खुद ही मार लिया इसने अपने आपको। भाई साहब जान छुटी, अच्छा अब तो मर गया ये, मैं तो डर गया था यार, उठ के दोबारा कैसे आ गया। और यहाँ पे क्या है? ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या है खास? अच्छा एक मिनट, पीछे एक स्क्रू था मैंने सभी घुमा दिया। और ये क्या निकला आगे? अच्छा ये कुछ मिला स्टैचू हमें, सही है सही है। अभी क्या करना है, कहाँ जाना है? अरे अच्छा ये नहीं, यहाँ से शायद साइड से मैं शायद से जा सकता हूँ। हाँ ये देखो यहाँ पे रास्ता है ना, मैं वही सोचूँ यार, वरना ऐसा कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। चलो कोई नहीं, अभी भाई इस बुड्ढे से मुझे ना बच के सीधा निकलते जाना है यहाँ से, और मुझे अवॉइड करना है कि इसका बेटे से मेरी लड़ाई ना हो। आपको बताया था गाइस इसका बेटा भी लुकस नाम है जिसका, और भाई ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं बाप बेटे, बहुत डेंजरस हैं। अब मेरे उसके बेटा जो है ना वो ज़्यादा यंग है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उसे फाइट करूँ, कॉज वो मुझे टफ टाइम दे सकता है। ये तो फिर भी बुड्ढा आराम से रिबड़ गया भाई, अगर वो उसका रेज मोड आया ना शायद से वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। बट कोई नहीं, हमें ना सिर्फ यहाँ से मेन डोर ढूंढना है, एग्जिट करना है यहाँ से। और अभी तो मुझे कुछ खास यहाँ पे मिला नहीं, ये एक डॉल पड़ी है इसको तोड़ देता हूँ मैं, ये क्योंकि हमेशा बोलती रहती है। और ये क्या है यहाँ पे? अच्छा हाँ मुझे वो लगाना है, मैंने यहाँ पे वो वाला स्टैचू लगा दिया है एंड गेट खुल गया है फाइनली। यार मुझे लगा मेन डोर है, बट मेन डोर इसको भी तोड़ो, ये फालतू चीज़ है। हर्ब्स मिल गई थी मुझे थोड़ी बहुत, और यहाँ पे भी कुछ पड़ा था इसको भी उठाते हैं, एंटी कॉइन इसे भी उठाओ जल्दी। एक मिनट कॉल आ रही है, कॉल उठाते हैं, कॉल उठाते हैं। हाँ यस वो मर चुका है वो बुड्ढा। अच्छा सही सही है यार गाइस, ये ना कॉल पे कोई हमारी मदद करता रहता है बट हमें पता नहीं है कौन, और ये शायद से इसकी फैमिली का हिस्सा है, बट ये हमें बता रहा था। ये क्लॉक पेंडुलम मिला है मुझे,
और ये कोई नोट है जो कि हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ के क्या करना है। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये जो कॉल पे ना हमारी मदद करता रहता है, हमें गाइड करता रहता है, तो ये सही है। बट हमें पता नहीं है ये है कौन, और ये जगह पे कुछ खास नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका बेटा और एक इनकी अम्मी थी वो कहाँ गायब हो गई। एंड भाई बेशक आपको पता है ना, मेल घोस्ट से ज़्यादा डर नहीं लगता, मतलब मेल भूत होता है ना उससे मतलब ज़्यादा डर नहीं लगता, मतलब फीमेल अगर कोई होता है ना उससे बहुत डर लगता है। जैसे जब मियाँ ट्रांसफॉर्म हुई थी भाई, मेरे तो हाथ पैर सब, मतलब पिछले वाले एपिसोड में बहुत डर लगा था यार जब मियाँ ट्रांसफॉर्म हुई थी ना भाई साहब। और यहाँ पे ये क्या जगह है, इनकी अच्छी बड़ी फैमिली, यहाँ पे पेंडुलम लगेगा। यस मुझे याद है यहाँ पे पेंडुलम लगाते हैं भाई साहब। 10 बजे कौन सा वो आता है, बढ़िया से मुझे एक और स्टैचू मिलूंगा मिल गया। बट 10 बजे कौन सी घड़ी बजती है, 10:15 बजे वो भी, मतलब 10 बजे तो समझ में आता है पर आर बजती है शायद से ये, और 10:15 में कौन सी बजती है। बट कोई नहीं, हम लोग चलते रहते हैं यहाँ पे, रास्ता ढूंढना अभी हमें मेन डोर का। और यहाँ पे वो लगे नहीं, अबे यार मुझे लगा यहाँ पे दूसरी वाली में ट्रॉफी लगा पाऊंगा, मतलब ट्रॉफी नहीं स्टैचू, दैन एग्जिट करेंगे यहाँ से हम लोग, मुझे ऐसा लगा। और ये मेरी हेल्थ अभी सही है, इस घड़ी में शायद हमारी हेल्थ वेल्थ बताते रहते हैं। अभी थोड़ी बहुत मैंने हीलिंग्स और बुलेट भी क्राफ्ट व्राफ्ट कर लिए, अब हमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस एस्केप पे ध्यान देना है। और ये क्या है, ये फोटो रखी है किसकी, एवेलिन। ये एवेलिन कौन है, शायद एवेलिन तो हमारी मदद नहीं कर ली कर रही भाई। ये दादी यहाँ कैसे आ गई, तो नीचे थी। छोड़ो भाई मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ये क्या है, अबे बेसबॉल वगैरह भी खेलते हैं क्या ये लोग, ये क्रिकेट के फैन हैं, पता नहीं होंगे। अबे यहीं से ना कूद के चलो, बट यार मियाँ को भी ढूंढना है यार, इसमें भी मियाँ को ढूंढना है, आउटलॉस 2 में भी मियाँ को ढूंढना था, क्या सीन है, मतलब एकदम मियाँ मियाँ नाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है शायद से गेमिंग इंडस्ट्री में। जब भी आउटलॉस 2 में ब्लेक की वाइफ थी मियाँ, यहाँ पे ईथन की वाइफ है मियाँ, और अभी ये स्नोकर स्नोकर भी रखा है। अच्छा वाला घर है यार, तुम लोग घर में चेल वेल मारो क्यों, लोगों को पकड़ के उनकी जान खा रहे हो। और यहाँ पे ट्रैश कैन है, ये बुक क्या है, बुक में क्या है, बुक को खोलो। अच्छा एक और स्टैचू मिला है, अब ये शायद से कोई ना कोई जगह आएगी जहाँ पे मुझे इन दोनों को लगाना होगा। और ये कोई नोट वोट है जो कि जिंदगी में हमने नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ के क्या फ़ायदा, ये आई एम प्राउड ऑफ इट। बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है खास, और इसको सारे गेट को खोलते हैं यानी यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ये क्या है, हर्ब्स पड़ी थी वो मिल गई, इससे शायद इससे ना वो बनती है गाइस चूल, मतलब हीलिंग मुझे ऐसे भी नहीं। अभी हम लोग इस वाले गेट के अंदर चलते हैं, ये भाई साहब कोई जगह है, एंड यहाँ पे ये बुलेट्स हैं जो कि मैं उठा नहीं सकता, हैंड गन की एमो है, बिकॉज मेरे बैग के अंदर बिल्कुल जगह नहीं। बट अभी क्या ज़रूरत है हमें, हम मतलब क्या कहता हूँ मैं, मतलब अभी कौन सा हम लोग जंग लड़ रहे हैं तो हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं। और ये भाई एक बाथटब पड़ा है बहुत ज़्यादा गंदा, और यहाँ पे इस वाली ड्रॉ के अंदर भी कुछ नहीं है, एंड ये एकदम भाई फारिक पड़ा है। चलो हम लोग इस वाले गेट से बाहर निकलते हैं, और इस वाली ड्रॉ के अंदर ही कुछ था मैंने उठा लिया है पेपर टाइप, और अभी हम लोग यहाँ से एक और हीलिंग ड्राफ्ट कर सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से आगे तरफ चलते हैं, दोबारा वॉशरूम के अंदर चलते हैं, बिकॉज बाथ टब में कुछ पड़ा था जो मैं उठा नहीं पाया था, एंड ये वुडन का कुछ था ये मैंने उठा लिया है अभी। और इस गेट, अरे भाई ये कहाँ से आ गया दोबारा, भाई ये तो मर गया था भाई, इसका एकदम भाई बुरी हालत है इस बंदे की, अरे फेंक दिया भाई इसने, अभी इससे बचना पड़ेगा, इसको थोड़ा बहुत डॉच करता हूँ, इसको मैं गोलियाँ मारना शुरू करता हूँ ताकि मरे भाई, करीब ही आ रहा, भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा, यहाँ से भागता हूँ मैं, इस साइड पर चलते हैं, यहाँ से कूद जाता हूँ, नीचे तो नहीं आ पाएगा आई होप। भाई साहब ये भाई ये मरने वाली चीज़ नहीं है गाइस, इसके साथ ना बड़ा हैवी किस्म का भूत है ये आ गया पीछे भाई, मार रहा है मार रहा है मार रहा है, इसको गोलियाँ मारता हूँ, सबर मर मर जा, नहीं आगे बढ़ते, गोलियाँ वेस्ट नहीं करनी इस पर, ये मरने वाला नहीं है, मर मर जा, तेज़ तेज़ नहीं आना, बस मर रहा है मर रहा है मर रहा है मर रहा है, ओके ओके गिर गया है ये। बट अभी भी मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी इतनी यार इतनी ज़्यादा ख़तरनाक फाइट में भी ये ज़िंदा हो गया था, तो अभी ये दोबारा ज़िंदा हो सकता है भाई, इस पर ना कोई भरोसा नहीं बचा भाई अभी। और यहाँ पे हमें ये वुडन का पीस लगाना है ना, ये मैंने लगा तो दिया, ये मुझे कुछ मिला था, और ये इसका क्या नाम है ये, अच्छा ये शायद से हम लोग इसका एग्जामिन करके कुछ तस्वीर बनाना चाह रहे हैं। ओह इसको ऐसे करके मैं, हाँ इससे ये ऐसे बना दी, बस एक बर्ड की पिक्चर बन रही थी इससे, मैंने इससे ये बना दिया है। एंड अभी शायद से गेट खुलेगा, भाई साहब क्या टेक्नोलॉजी, मतलब शेडो से गेट खुला है, ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब कहाँ ही होगी दुनिया में यार। इस वाली यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग टेढ़ा मेढ़ा होके हमें अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। भाई साहब फुल हॉरर मोमेंट बना हुआ है, ऊपर से यार मियाँ जो है ना, मियाँ से अलग डर लगा हुआ है, बिकॉज मियाँ तो भाई पता नहीं कहाँ है, उसको तो हमारे हमसे एकदम दूर हुई हुई है। और ये क्या है भाई, घर के अंदर हिरन विरन खड़ी की हुई है, क्या चल रहा है ये। चलो कोई नहीं, यहाँ पे और क्या है, ये कोई खाना वाना था, यूज़
ये कुछ मिला है भाई, ये क्या है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा ये कोई लिमिटेड आइटम्स है एंड मैं इसको उठा सकता हूँ। और ये क्या है, अच्छा शॉटगन है वो, तो शॉटगन तो है ही नहीं भाई मेरे पास, तो शॉटगन की एमो, ये कुछ खुलेगा यार यहाँ से कुछ ना, इसको तोड़ते हैं। हैंडगन की एमो मिल गई, मुझे लग रहा है कोई ना कोई फाइट होने वाली है गाइस कॉज इतनी जल्दी। और इसके अंदर भी कुछ था, मैंने वो भी उठा लिया, इसको खोलते हैं। एमोज और भी मिल गई, इतनी सारी एमो मिलने का पीछे कोई ना कोई रीज़न है, या तो कोई बॉस फाइट होने वाली है इस बुढ़े से, बट लेट्स सी क्या क्या सीन बनता है उसका। यहाँ कुछ नहीं, इस वाले गेट को खोल सकते हैं, नहीं ये वाला नहीं खुल रहा। और अभी मैं क्या करूँ, इस वाले गेट से बाहर निकलते हैं यार। अरे ये कोई दूसरी जगह, और ये क्या पड़ा है, एंटीक कॉइन। ये एंटीक कॉइन किस काम का है, गन पाउडर पड़ा है और मेरे पास जगह नहीं है यार। मैं कुछ क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्राफ्ट कर लिया अब जगह बन जाएगी। गन पाउडर की जगह बन गई, लेट्स गो। और भी बहुत कुछ है, गन पाउडर ये और भी चीज़ें मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, नहीं अभी नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत सारी हीलिंग्स पड़ी हैं और इसके अंदर मैंने चीज़ें स्टोर नहीं करा सकता। ये वाला क्या है भाई, ये सब पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा आज तक नहीं पढ़ा था, और क्या दोबारा पढ़ के क्या ही करूँगा। और उसके अलावा ये दे लो, इट लाइक दे हैव बीन विक्टिम्स। अच्छा अरे भाई ये क्या 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 आ रहा है भाई साहब, ये क्या क्या लगा हुआ है यहाँ उसके अंदर, ये दीवारों पे अजीब सा क्या लगा हुआ है गाइस, कुछ मतलब ऐसा अजीब सा कैसे बताऊँ आप लोग को, बट आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ है। इस अलमारी के अंदर क्या है, हैंडगन एमो सही है, और ये नहीं खुलेगा। और इस ड्रॉअर के अंदर क्या है, एक पेपर पड़ा है, इसको भी पढ़ के क्या ही फ़ायदा यार, इसको हटाओ फालतू है, मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास नहीं है, और ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं चीज़ें स्टोर करा सकता हूँ, लेट्स गो। ये स्टोर करा देते हैं ये, और ये, और इसके अलावा मैं एंटीक कॉइन किस काम का है, ये शायद काम आएगा जब भी मिल रहे हैं, इसको स्टोर करा देते हैं, इसको भी स्टोर करा देते हैं, बुलेट्स भी स्टोर करा देते हैं। बस आई थिंक इतना सारा सामान स्टोर होना बहुत है, और हम लोग यहाँ से बाद में ले सकते हैं, मतलब ऐसे बॉक्स मिलते रहते हैं। यहाँ पे गेम भी सेव कर देता हूँ, गेम सेव हो चुका है, लेट्स गो। यहाँ से बाहर निकलता हूँ और अभी यहाँ से नीचे चलते हैं हम लोग, ये वाला एक रास्ता मिला है हमें, यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे इस साइड पे राइट साइड पे भाई साहब क्या घर है यार, ये मतलब इतना बड़ा घर हो कैसे सकता है यार, मतलब घर के नीचे। अरे ये भाई ये कौन है भाई साहब, ये तो कुछ अरे भाई भाई भाई, भाई बहुत डेंजरस है भाई साहब, इधर आ, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है इसकी, मर गया, हल्का सा कमज़ोर है, इतना कोई जानदार नहीं है, मुझे लगा वही बुढ़ा वापसी आ गया गाइस, पता नहीं क्या नाम है यार उसका, बट मुझे लगा वो वापसी आ गया। इसको खोलते हैं यहाँ पे, ये वाली ये खुल गया है डोर अभी हमारा। और यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे काफ़ी सारी यार इसमें सप्लाईज बड़ी दे रहे हैं यार ये लोग, मतलब आप लोग देखो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं हमें, रखी पड़ी है इतनी सारी चीज़ें। यहाँ पे ये ट्रेजर फोटो है उठा ली, यहाँ पे सारा सामान मैं उठाता जा रहा हूँ, बस इतना ज़्यादा एक पीढ़ी है, कोई की मिली है मुझे, ये क्या मिला है, ये मैप है, इसको मैं फेंक सकता हूँ, सही है, इसको मैंने फेंक दिया, सही है। अरे भाई कहाँ से आके गिरा ऊपर से, इसको मारो, हट 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 जा। और भाई भाई ये अपने आपको कवर दे सकता है, ये कवर दे रहा है अपने आपको भाई, एकदम मुंह पे आगे खत्म, बट कमज़ोर है यार, इनको हेडशॉट मारो, चार से पांच गोलियों में लोग आराम से मर रहे हैं। इसको अनलॉक कर लिया मैंने, और ये क्या जगह है, इस वाले गेट के अंदर यहाँ पे कुछ खास ही, इस वाले गेट को खोलूँ यहाँ पे, और ये भी कोई सामान पड़ा था उठा लिया मैंने, एक एक करके सारा सामान यार, इसको पढ़ के क्या ही करना है, सारे रोड्स आज तक नहीं पड़े इसमें, मतलब बहुत कहानी सही समझ में नहीं भाई, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, मर जा, बस 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 मर दिया। और इसके अंदर क्या है, ये क्या चीज़ है, फुल कुछ भी नहीं है भाई इसमें, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई आ रहा है क्या, इसके अंदर क्या है, इसमें आग लगी है। अरे भाई ये कौन इस, अच्छा यहाँ से कुछ चाबी वाबी मिल गई मुझे, यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और इसको खोलते हैं। और यहाँ पे मैं ना गाइस इनको डॉच कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना, हाँ ये देखो ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये मुझे ना पकड़ेंगे नहीं, मैंने इनसे ये भाई यहीं पे खड़ा है, मैंने मार रहे भाई, ये मार रहे, मुझे लग रहा था बच्चे, बट नहीं यार कसम से मार रहे हैं। इस वाले गेट को खोलता हूँ मैं और इस वाली चाबी को मैं लगाता हूँ भाई, नहीं प्लीज़ नहीं, मार दिया, जल्दी खुल जाए यार, ऐसी एनिमेशन आ रही है गेट खुलने की, इसको बंद करो, गेट बंद करो, गेट बंद हो जा, बस गेट बंद हो गया। एंड ये कोई चीज़ उठाने, ये रहा भाई ये वही है, अब इसको थोड़ा बहुत सुनते हैं यार, भाई क्या हो रहा है ये, मतलब गाइस वो ये किससे बात कर रहा है, ये ऊपर इसी के जैसा कोई बंदा लटका हुआ है ना गाइस, जो जला हुआ है मेरे मुताबिक गाइस, इससे अपने जैसे ना बहुत सारे क्लोन्स बनाए हुए,
ये देखो ये सेम टू सेम इसके जैसा बंदा है जो ऊपर लटका हुआ है, बट कोई नहीं, इसको खोलते हैं। शॉटगन शेल्स मिले हमें, इससे शायद से बुलेट क्राफ्ट होगी हमारी शॉटगन की, बट शॉटगन होगी तो होगी ना। अभी एक फर्स्ट एड मैंने लगा ली है, बिकॉज काफ़ी सारी मेरे पास पड़ी हुई थी, और इसको मैं कुछ क्राफ्ट व्राफ्ट नहीं कर सकता क्या। इसको कंबाइन कर लेते, बन गया, बस सही है। अभी हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं। और भाई मुझे ना अभी वाला बंदा जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। यहाँ से दो चार सामान और थे, इसको भी उठा लिया। ये क्या जगह आ गई, यहाँ से आगे चलते हैं, इसको खोलते हैं। अच्छा मैं वहीं आ गया घूम फिरा के, भाई वो यहाँ पे ना हो, केमिकल फ्लूइड मिला है बट इसकी कोई जगह नहीं है यार। मैं क्या फेंकूँ, ये हर्ब्स फेंकूँ, क्या फेंकूँ, ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं फेंक सकता यार अभी मैं। और ये क्या है, यही वो बंदा है गाइस, ये जिसको अभी हम लोगों ने मार के जला नहीं दिया था। बट ये सारे के सारे काम कैसे कर रहे हैं, मतलब क्लोन्स भी है तो ये काम कैसे कर रहे हैं, कोई रोबोट तो है नहीं, वो एकदम चलता फिरता ह्यूमन दिख रहा था वो तो मुझे। और ये गन पाउडर पड़ा है जिसको मैंने उठा लिया है, बट कुछ खास समझ नहीं आया यार मुझे। मुझे क्या यहाँ से नीचे कूदना है क्या। इन हर्ब्स को अभी मैं ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और चीज़ फेंक नहीं सकता। तो एक काम करता हूँ, इसे डिलीट मार देता हूँ, इससे डिस्कार्ड हो जाएगा ये, और इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी मुझे ये उठाना है और इसको निकालते हैं, क्योंकि इसका मेरे पास एक पीस शायद से और भी पड़ा हुआ है, तो इसे कंबाइन करके शायद से कोई गेट। अरे भाई ये कहाँ से आ गया भाई, भाई बहुत तेज लात मारी यार इसने, ये भी कूद गया नीचे। भाई लगता है इससे फाइट होगी, अब मैं इसको बताता हूँ। बहुत बहुत जाने ना इसके अंदर, सबर भाई, मेरी गन इतनी पावरफुल नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इससे फाइट करें। अरे भाई इतनी जोर का मारा है इसने यार, सबर सबर अब बता दो, इधर इधर करीब आने दे, बस ये आए एक बार इसको भाई, प्लीज़ प्लीज़ नहीं। अरे भाई WWE लड़ रहा है मुझसे भाई, हथियार सवाल कर रहा है, हाथ पैसे क्यों लड़ रहा है। अरे नहीं नहीं प्लीज़ हथियार सवाल नहीं करते यार, नहीं ओ भाई मार दिया। अब मुझे मुझे गुस्सा चढ़ गया ना, मैं एक शॉट नहीं लगने दूंगा भाई तेरा, प्लीज़ यहाँ से निकलता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा इससे, अजीब सी ट्रांजिशन आ रही है। अरे इतना कमज़ोर है, इतनी आसानी से मर गया। नहीं 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 मरा नहीं, नहीं नहीं मरा, नहीं मरा भाई, नहीं मरा नहीं मरा। ये और ये क्या खुल रहा है, ये चेनसॉ पड़ी है, ये चेनसॉ मैं नहीं उठा सकता, ये उठा लेता हूँ, ये चेनसॉ उठा लेता हूँ मैं। अरे उठा ली उठा ली उठा ली, अभी अब मैं बताता हूँ। अरे भाई इसने कितनी बड़ी छुरी उठा ली, ये क्या है कटर टाइप, अभी मैं इसको मारता हूँ, इसको पूरा ओ ओ। अरे भाई ये भी मार रहा है, ये भी मार रहा है, लेकिन अभी मैं इस पर हमला कर सकता हूँ पूरा, नहीं प्लीज़। ओ भाई क्या क्या इससे फुल फाइट हो रही है इस वक्त, मेरी चेनसॉ ख़राब ना हो जाए यार, ये कटर ना मार दे मुझे, नहीं भाई इसके अंदर बहुत जान है, बहुत जान है, कमान 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 प्लीज 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 प्लीज। ओ भाई भाई अब इसका एंड हुआ है, अब इसको मारा है सही वाला, भाई ख़त्म हो गया पूरा, क्या हाल हो गया यार इसका। इसमें अभी भी मैं चेनसॉ चलाता रहता हूँ, अब चेनसॉ ख़राब हो गई, अभी भी जिंदा है भाई ये, इसको कुछ नहीं हो रहा, चेनसॉ चल रही है मेरी, चलाऊँ इस पर, हाँ अभी भी चल सकती है, कमान भाई नहीं नहीं हो रहा ऐसा यार, ये बहुत पावरफुल है भाई, क्या हाथा ही नाश्ते में पोपाए है क्या भाई, हट जा हट जा हट जा। ओके अब इसको कुछ हुआ है, अब ज़्यादा डैमेज पड़ा है, अब डैमेज पड़ा है, कमॉन कमॉन कमॉन, अब इसका एंड है यार। चेनसॉ मेरी एक तो हर दो मिनट में बंद हो जाती है, करीब आ रहा है भाई ये, नहीं 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 भाई इसके अंदर बहुत गुस्सा चढ़ गया इसे, कमॉन नहीं भाई बहुत मार रहा है ये, लेकिन फिर भी अपने आपको अच्छा डिफेंड कर पा रहा हूँ, कमॉन कमॉन कमॉन, इसको ये मारते रहते हैं, नहीं ओ भाई मार रहा है, लेकिन इसका इतना खास असर हो नहीं रहा मुझे इस वक्त, अभी से इस पर चेनसॉ चलाते रहता हूँ, ये इस कुछ ना कुछ तो होएगा ऐसे। एंड यार ये इसके क्या होता है, मतलब ये एकदम से इतना ज़्यादा वो हो जाता है, एंड इसका गेम एंड हो चुका है भाई, कमॉन ओ भाई साहब नेक्स्ट लेवल यार, बहुत डेंजरस है ये अभी कुछ और ट्रांसफॉर्म हो रहा है यार, नहीं फट गया, ओ भाई अरे अभी भी चल रहा है ये, क्या हो गया इसे। नहीं अभी डेड है, अभी डेड है यार, एकदम डेड है ये, इसको खोलते हैं, ये वाला काट के अभी खोलता हूँ, चेनसॉ ही बची है मेरे पास अभी, कट जा भाई। ओके ये वाला टूट गया है, नहीं चेनसॉ, अच्छा ये खुल गया भाई, खुल गया, यहाँ से मैं निकल सकता हूँ, नहीं भाई चेनसॉ पूरी टूट गई, बट एटलीस्ट उसको तो एंड कर दिया हम लोगों ने, थोड़ा से दफा करो, हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे हर्ब्स पड़ी थी उठा ली मैंने, मतलब इतनी सारी बुलेट्स मुझे इसलिए दी थी ये फालतू सी बॉस फाइट के लिए, मतलब क्या था इस बॉस फाइट में यार, चेनसॉ से मज़ा नहीं आया, अगर कम से कम बुलेट्स या कोई गन वन देते ना तो ज़्यादा मज़ा आता। एंड ये क्या जगह है, इसको खोलो, मेरे पास अभी दोबारा जगह ख़त्म हो चुकी है यार,
इतना छोटा बैग है मेरे पास, माइनक्राफ्ट की तरह हो ना यार कि, तो मतलब बंदा 6-6 किलो चीज़ें उठा लेता है एक साथ वो सही रहता दादा भाई, मज़ा आया आज तो। चलो गाइस, उम्मीद है आप लोग को आज वाला एपिसोड अच्छा लगा। अगर आप लोग को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो जाके एक लाइक कर देना यार, बुरी लगी हो तो यार डिसलाइक भी कर देना। चैनल पे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, फ्री एकदम आप लोग मुझे कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता यार कि ये इसका ओरिजिनल वर्जन था या पहले की तरह ये इसका कोई क्लोन लोन था जिसे हम लोगों ने एंड किया है, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, और आज के लिए इतना ही। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। आई हैव अ ड्रीम, दैट्स ऑल आई नीड, आई विल मेक इट हैपन विद सम वर्क एंड बिलीफ, नो व्हाट आई वांट सो आई विल टेक इट ऑन, आई मेड मिस्टेक्स बट मिस्टेक्स मेक यू स्ट्रांग, let's break it down for a minute, I want the crown, I'm gonna get it, you hear me loud, man.